हमारे साथ है निशिकांत दुबे जी की धर्म पत्नी, यही से हम कुछ जानते हैं। मैडम, जिस तरह से देश में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या? महिलाओं के साथ अत्याचार आज कोई नया नहीं बढ़ा है। आज आप मीडिया है, फेसबुक है, तो सब दिख रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार तो सदा से हुआ है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। राजा भी अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करते थे, वो भी उस वक्त पिटती थी। गरीब की भी बीवी भी पिटती थी। तो अत्याचार तो महिलाओं के साथ सदियों से होता है, कोई नया बात नहीं है। अपने निशिकांत दुबे जी जो सांसद हैं, उनके साथ आप घूम रही, तो किस रूप में आप उनका साथ दे रही हैं? एक पत्नी के रूप में सहायक हैं उनके लिए। वो जहाँ जाते हैं, जो जगह उनकी छूट जाती है वो हम करते हैं, इस तरह से उनकी सहायता करते हैं। क्या क्या सहयोग कर रही हूँ? बस प्रचार कर रहे हैं, और क्या सहयोग करेंगे। उनके लिए जाके वोट मांगते हैं, जो उनके कार्य हैं, जो मोदी जी के कार्य हैं, जनता को जाके बताते हैं। आप किस रूप में ले रही हैं उनके प्रचार प्रसार को, और क्या चाहती हैं? नहीं, चाहना क्या है, उनकी जीत चाहते हैं, और उनके जो कार्य हैं जनता को जाकर के बताते हैं, और मोदी जी के कार्य को बताते हैं, जिससे जनता बहुत ज़्यादा खुश है। और हम लोगों को अपार जन समर्थन मिल रहा है। महिलाएं जो पहले नहीं आती थी सुनने के लिए, अब झुंड के झुंड लगा के आती हैं। 100-200 महिलाएं हर गांव में आती हैं सुनने के लिए। मैडम, जो आपके विपक्ष के महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी के ऊपर जो आरोप लगा, कितना सत्य है, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका मामला है, महिला के साथ उन्होंने अत्याचार किया। महिलाएं, कोई भी औरत अपनी अस्मिता का कभी वो व्यापार नहीं करती है। ये बात समाज को समझना चाहिए कि अगर एक औरत को कोई ऐसे उंगली से भी छू दे, वो बेचारी दो दिन तक सो नहीं पाती है। अगर किसी के ऊपर रेप अटेम्प हुआ है, उस महिला के साथ सहानुभूति रख करके समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए सामने कौन है, आज कौन बड़ा नेता खड़ा है या कौन रिक्शा वाला खड़ा है। ये देखिए, उस औरत की आप मनोस्थिति को समझिए कि वो कितनी मुश्किलों के दौर से गुजर करके बाहर आकर के इन बातों को बोल रही है। थैंक यू। तो ये इनका कहना था कि महिलाओं के साथ अत्याचार होती है, लेकिन महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि हमें इससे थोड़ा डरे सहमे रहना चाहिए। ये थी निशिकांत दुबे जी की धर्मपत्नी, जो अपने पति के साथ साय की तरह हर लोगों के पास जाके अपने पति की जीत के लिए लोगों से वोट की कामना कर रही हैं। सनमार्ग लाइव के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मधुपुर कैरो प्रखंड से रूपम पलास की रिपोर्ट।